विशंति योग आचार्य पाठयंती। मेरे विद्यालय में 20 आचार्य पढ़ाते हैं। मम संस्कृताचार्यस्य नाम वृजनानंद पांडे अस्ति। मेरे संस्कृत के आचार्य का नाम वृजनानंद वृजाराज पांडे है। आचार्यनिपुण मृदु भाषाय च छात्रान् पठयन्ति। जो संस्कृत के आचार्य हैं वह हमें अच्छे से और मृदु भाषा में समझाते हैं और पढ़ाते हैं। सर्व छात्रा आचार्य आदरम कुर्वन्ति। सभी छात्र आचार्य के आदर करते हैं। मम विद्यालय पश्चाधिका छात्रा विद्यायनं कुर्वन्ति। मेरे विद्यालय में 500 छात्र पढ़ते हैं। अहम विद्यालयेन सह छात्रा संस्कार्स अपि प्राभवन्ति। सभी छात्र संस्कार से स्कूल में रहते हैं। विद्यालय से परिषद वृक्षा सन्ति। हमारे विद्यालय का चारों ओर वृक्ष लगा हुआ है। विद्यालय रमणीयम उद्यानम अस्ति। विद्यालय का गार्डन बहुत सुंदर है। उद्याने मनोहारिणी पुष्पाणि विकसन्ति। गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर मन को हरण करने वाले पुष्प लगे हैं। तत्र अनेका लता अपि सन्ति। वहाँ पे अनेक पौधे हैं। लतासु विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति। लताए और पुष्पा बहुत बड़े हो गए हैं। अत्र परित्रा कलरव सवेशाम मनासी आकर्षयति। बहुत तरह कलर के पक्षी आते हैं जो हमारे मन को खुश कर देते हैं। भोजनालाय सर्वे छात्रा पंक्ति बुद्धम उपविशति भोजन मंत्रोपारण भोजन कुर्वन्ति। सभी छात्र भोजनालय में आकर पंक्ति से बैठकर पहले मंत्र का जाप करते हैं, उसके बाद अपना भोजन खाते हैं। मम विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति। मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। अत्र छात्रा पुस्तकानि समाचार पत्राणि च पठन्ति। छात्र वहाँ जाकर पुस्तक समाचार पढ़ते हैं। अत्र एका विज्ञान प्रगोशाला अपि अस्ति। आगे का चैप्टर्स और जो मैंने आपको पढ़ाया उसके आगे का पाठ मैं अगले पार्ट में बताऊंगी। थैंक यू।